24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मार्ग, जहां दोस्तों हमारे साथ हैं खोला है और आगे बढ़ने वाले हैं। इसमें इनका उद्देश्य आज का जो विषय था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारण क्या असर पड़ेगा, खासकर कंप्यूटर सेक्टर, इस पर चर्चा हुई है आज। और ये बड़ा आवश्यक भी है कि लोग कम जीतते हैं, घाटे में चल रहे हैं, और मतलब केवल पब्लिक सेक्टर कहने के लिए नहीं, सरकारी डिपार्टमेंट को भी मैं पब्लिक सेक्टर मानता हूँ, मंत्रालय को भी मानता हूँ, और सरकारी हॉस्पिटल है वो भी पब्लिक सेक्टर है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं भारत में लोग ऐसे नहीं है, उन लोगों का इस्तेमाल नहीं हो पाता और प्राइवेट सेक्टर में उनका इस्तेमाल होता है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट है और इसमें घाटा लग रहा है, इसलिए बिक रहा है। तो ये तो एक साइड इफेक्ट है इसका। मुख्य उद्देश्य टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और उसके इस्तेमाल का ये है कि उसके से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। अब जैसे कोई पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ जो एक्टिविटीज़ हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, तो इन सारे क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी की भूमिका आ गई। ऑटोमेशन आ गया है, इनोवेशन आ गया है, तो पहले की सोच और अभी की सोच में आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन और ये कहा जाए कि पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें ये तो प्रोसेस पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। और मैं कह रहा हूँ कि एक्टिविटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, उसमें एक होता है एचआर। भाई एचआर डिपार्टमेंट है जो बड़े लोग बहाल हो रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनका इवैल्यूएशन हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी को जांच रहे हैं, उनको प्रमोशन के लिए क्या करना है, तो एचआर एक एक्टिविटी हो गई। दूसरा होता है मार्केटिंग, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन, चौथा है फाइनेंस। एक के बाद दूसरा क्या होगा ये तो बड़ा करना मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए कि फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोई फैक्ट्री या उद्योग या पब्लिक सेक्टर नहीं चलेगा। उसमें अगर ऑटोमेशन नहीं है, इनोवेशन नहीं है, लोग मान लीजिए बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो ऑडिट करते हैं जी, मेरे समझ से ऑडिट ये करते हैं कि साल भर में क्या गलत अच्छा किए हैं आप, उसको ठीक से लिख लाख देखने का जो ऑब्जेक्शन होता है, ऑडिट रिपोर्ट होता है। आजकल नया जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, कि साहब आप जो खर्च कर रहे हैं और जो आमदनी आपकी है उसका विश्लेषण होगा और उसके लिए अलग पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में उसको समाया जाए, ये इनोवेशन होगा। तो उसी तरह से एचआर में भी इनोवेशन है और मैन्युफैक्चरिंग में भी है, मार्केटिंग में भी है, आईटी सिस्टम्स में भी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में है। कहने के मतलब उधर हुआ 6 साल, इधर 6 साल, कहने के मतलब 49 तो हो गया सीधा गुना कर देगा। एक टर्म होता है परमोटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें आपको 150 से ज़्यादा एक्टिविटी आ जाएगी। इन सभी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से उत्पादकता कैसे बढ़ सकती है। तो एक चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय जो हिंदी नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं शॉर्ट में अंग्रेजी में अपना संदेश देना चाहता हूँ। जी जी फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट डे एज वेल एज एन ऑफिशियल ओकेजन व्हेन वी हैव ऑल बीन डिस्कसिंग फॉर द लास्ट 2 डेज। 70% ऑफ द प्रोग्राम हैज बीन वर्चुअल एंड 30% फेस टू फेस, बिकॉज नाउ इज द टाइम ऑफ फेसलेस ऑल्सो एंड फेसफुल। Even the Income Tax Department, our learned Prime Minister thought that there may be some sort of confusion in taking a final decision. So the entire Income Tax Department is now faceless. Who is asking a question
who is giving a notice, you don't know. In that case, people say that somebody was bribing, you can't. Accordingly, in the manufacturing sector or for that matter, production sector or materials management sector or human resource development sector, marketing or finance, there is an urgent need to have new innovations and to combine and to mix with planning, organizing, directing, staffing, controlling, coordination and cooperation. We talk about rotation combinations, but so many activities, more than 100, which will go a long way in bringing productivity and efficiency in the public sector. So it is the fitness of things that this topic was selected. When the future of public sector is at stake and many of the public sectors are being auctioned. Why? Because they are not running in profit. Yep. So I wish and long for a day when all the public sectors will be somehow becoming more productive, and I'm also longing for a day when Government of India will be compelled to take over some of the sick private units to convert into a public sector. So that's now I'm longing for a day when there will be 1,000 public sector organizations of the central government, and that will go a long way giving employment also and being responsible for corporate social responsibility. Thank you. सर ये जल्दी जल्दी हम ये जानना चाहेंगे, नई शिक्षा नीति आ गई, इस पर बात भी हुई है कि इस पर अमल भी होना चाहिए, जैसे प्रकार से मार्केंडे राय साहब ने कहा है कि यूनिवर्सिटी है, भारत यूनिवर्सिटी है, जैसा कि आपने भी सूचना दी, लेकिन हजारों विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने विश्वविद्यालय एक ऐसा शब्द है, कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट नाम से कोई आप निर्णय लें पढ़ाने लिखाने सिलेबस बनाने डिग्री देने की, उसको विश्वविद्यालय बोलते हैं, और कॉलेज स्कूल उसके माथात होते हैं। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि भारत में 5,000 भी विश्वविद्यालय हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। सोचना यह है कि तो बात सोची गई सरकारों के द्वारा और जनता के द्वारा जो सोची जा रही है, दोनों में तारतम्य करके एक निर्णय लें कि भारत को ऐसा होना है। तो ऐसा होने के लिए विश्वविद्यालयों की संख्या जितनी बढ़े वो अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। जितना कनाडा में जितना विश्वविद्यालय है उस हिसाब से भारत में 5,000 ज़्यादा होना चाहिए, जबकि आबादी वहाँ 2-3 करोड़ है। जैसे इंग्लैंड में देख लीजिए आप, नाउ तेरा अभी कम से कम 175 विश्वविद्यालय हैं, सभी सरकारी हैं। लोगों को पता है कि नहीं साहब 90% प्राइवेट हैं, गलत न्यूज़ है, न्यूज़ कितना गलत फैलता है। इंग्लैंड में कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, 175 है, वहाँ की आबादी मान लीजिए कि 6 करोड़ है, यहाँ पर मान लीजिए कम से कम 20 गुना ज़्यादा मान लीजिए आप, 20 गुना है तो 20 गुना का मतलब 20 गुना 175 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब 3,800 होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि तभी बात बनेगी, लेकिन बात यही है कि विश्वविद्यालय अभी जितने हैं इनको ठीक से मार्गदर्शन दिया जाता है, और सरकारी नीतियों को बनाने के समय एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। भारतवर्ष के हर एक बड़े शहर में 4-4 दिन का पब्लिक हियरिंग हो, उसको वीडियोग्राफ किया जाए, लोग देखें क्या क्या कर रहे हैं। कोई भी कमेटी के चेयर, अभी जो कस्तूरीरंगन कमेटी ने रिपोर्ट दिया बहुत अच्छा है, लेकिन इससे 100 गुना अच्छा भी बन सकता था। अभी क्योंकि 1986 के बाद कोई पॉलिसी बनी नहीं, अच्छा लग रहा है, फैक्ट है कि अभी भी हजारों सजेशन्स आ रहे हैं, पब्लिक हियरिंग के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मैं ये कहूँगा कि भारत में जितनी नीतियाँ बने पब्लिक हियरिंग पर बने, बड़े बड़े विद्वान हैं, ऐसा देखा गया है कि अगर कोई मंत्री हैं, IAS ऑफिसर हैं, अगर रिटायर्ड हैं या मंत्री कोई टायर्ड हैं या मंत्री हट गए हैं, तो बहुत बड़े चिंतक विचारक हो जाते हैं। जब तक वो पावर में है उनको मीटिंग से फुर्सत नहीं है, और ब्यूरोक्रेट को भी बातचीत करने की फुर्सत नहीं है, तो पूरा समय बीत जाता है। कहने का मतलब कि काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि भारत में उत्पादकता है, और इसके लिए मनोवृत्ति परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जैसा कई लोगों ने कहा, मनोवृत्ति परिवर्तन, मनोवृत्ति शुद्धिकरण हो जाए तो ऑटोमेशन की बात जो है और एफिशिएंसी की बात है और फिर प्रोडक्टिविटी की बात है, ये सारी बातें हो सकती हैं, और इनोवेशन का भी तभी इज्जत होगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने बताया, निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ बदलाव होगा, लेकिन तैयार रहना।
काम कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर सकते सर, चांसलर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि आज आपको एडमिशन करने के लिए कहीं ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके लिए आपको आगे आना होगा, और तभी आप भारत में हम आगे बढ़ सकते हैं। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। साथ ही हमारी वेबसाइट www.liveindianews24x7.com पर आप भी विजिट कर सकते हैं।